ये अपन का अंतिम टॉपिक है, अंतिम मॉडल पेपर है, 13 मॉडल पेपर है, 13वां। ठीक है, चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी की आधिकारिक भाषा कौन कौन सी थी? कमेटी की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी थी, फ्रेंच थी, जर्मन थी, उपयुक्त सभी भाषाएं थी। ठीक, ओलंपिक ध्वज में नीला छल्ला निम्न में से किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता था? किसका करता था? यूरोप का करता था नीला, पीला एशिया का करता था, काला अफ्रीका का करता था और अमेरिका का लाल करता था। ठीक है, 1866 में प्रथम ब्रिटिश ओलंपिक लंदन में किसके द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर बुक्स द्वारा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत पुरस्कार की राशि कितनी दी गई? 25 लाख रुपये। वुशु में कॉन्ट्रैक्ट एरिया पर चारों तरफ रेड लाइन की मोटाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी शब्दावली कुश्ती से संबंधित है? कौन कौन सी है? डाग फाल बद केडल है, केडल के बाद में चौथी है हाफ नेशनल। ये किस से संबंधित है? ये कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, वॉलीबॉल में बॉल की परिधि कितनी होती है? 55 से 65 से 67 सेमी होती है। बार लोतन महिला किस ओलंपिक में शामिल की गई थी? 2021 सिडनी में शामिल की गई थी। बार लोतन प्रतियोगिता प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। टेबल टेनिस में टेबल की लंबाई कितनी होती है? 183 सेमी। 2012 लंदन ओलंपिक में टेबल में सभी स्वर्ण पद किस देश से प्राप्त हुए हैं? किस देश से? चीन को प्राप्त हुए थे। हैंडबॉल में मैदान की गोल लाइन मोटाई कितनी सेंटीमीटर होती है? 8 सेंटीमीटर होती है। रणजीत सिंह गोल्ड कप, विंबलडन कप के विजेता, गुरु तेज बहादुर गोल्ड कप का समर हॉकी से है। ठीक है, निम्न में से किस वर्ष में ओलंपिक भारत ने हॉकी में अपना पहला पदक जीता था? 1960 रोम में। जूडो खेल में फाइट रोकने के लिए किस शब्द का उच्चारण किया जाता है? माते शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ड्रेस जुगोड़ी होते हैं, स्टार्ट हाज में होता है। ठीक है, भारत में 1918 में कबड्डी में प्रथम प्रतियोगिता किस शहर में आयोजित की गई? 17 में की गई। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ का स्थापना 2004 में की गई थी। कबड्डी में येलो कार्ड दिखाने के बाद खिलाड़ी को कितने मिनट ग्राउंड क्षेत्र से बाहर रखा जाता है? 2 मिनट। निम्न में से टेबल टेनिस का मक्का कहा जाता है? विंबलडन को कहा जाता है। किसको? टेबल टेनिस का मक्का विंबलडन को कहा जाता है। खो खो खेल में सीनियर जूनियर के मैदान में फ्री जोन की लंबाई कितनी होती है? 1.50 मीटर होती है। शूटिंग में 50 मीटर टारगेट के मध्य बिंदु ऊंचाई कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर। कितनी? 75 सेंटीमीटर। अपूर्वी चंद्रा का संबंध किससे है? शूटिंग से है। 1967 में प्रथम राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप पुरुष और महिलाओं का आयोजन कहाँ पर हुआ था? जोधपुर में हुआ था। कहाँ पर? जोधपुर। आगे देखते हैं। सॉफ्टबॉल में मैदान में पिचिंग प्लेयर की लंबाई चौड़ाई कितनी इंच होती है? 24.6 इंच होती है। पुरुष स्पर्धा तैराकी में किस ओलंपिक में शामिल किया जाता है? 1896 एथेंस ओलंपिक में। कुश्ती में फ्री स्टाइल महिलाओं स्पर्धा किस ओलंपिक में शामिल की गई थी? 2004 में एथेंस ओलंपिक में शामिल की गई थी। 1983 में प्रथम एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया था? हेलसिंकी में। कहाँ पे? हेलसिंक में शामिल किया गया था। हेमर थ्रो पुरुषों के लिए हेमर का वजन कितना होता है? 7.26 केजी। त्रिकूद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? होप्स और स्टेप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1 और 2। 1950 में भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कहाँ की गई? नई दिल्ली में की गई। कहाँ पर? नई दिल्ली में की गई। आगे चलते हैं।
मुक्केबाजी में रिंग में प्लेटफॉर्म की लंबाई इंटू चौड़ाई कितने होती है? 7.80 × 7.80 मीटर होती है। ठीक है, भारत में गुप्त वंश शासक में शतरंज किस नाम से खेल जाता था? शतुरंग के नाम आता, शतुरंग के नाम से, शतुरंग के नाम से खेला जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। शतरंज में ऊंट किस दिशा में चलता है? तिरछा चलता है। कैसे चलता है? तिरछा। जबकि हाथी सीधा चलता है, जबकि ढाई कदम आगे घोड़े चलते हैं, और वाजीर किसी भी दिशा में चलता है, वाजीर किसी भी दिशा में चलता है। ठीक है, विषाद आनंद पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है 2007 में। ठीक है, 2006 में भारत का पहला T20 मैच दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध कहाँ खेला गया था? दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। मूलभूत कौशल का संबंध किस खेल से? ड्राइव, स्ट्रोक, फ्लेट, फास्ट बॉक्सिंग, बॉलिंग, मीडियम पेस, किससे है? क्रिकेट संबंधित है। किससे नहीं, क्रिकेट से, क्रिकेट संबंधित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने में है। तैराकी का प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार निहार अमीन को किस वर्ष के दिया गया? 2015 में। टेबल टेनिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गोसीमा के नाम से जाना जाता है। पिंग पोंग से हीप हीप के नाम से जाना जाता है। मिंटो नेट नाम से किस खेल जाना जाता है? वॉलीबॉल को जाना जाता है। निम्न से एक अच्छे प्रशासक की वित्तीय संबंधित कौन सी है? विभागीय लेखा तैयार करना। ठीक है, निम्न में से कौन सा गुण एक अच्छे प्रशासक का नहीं है? कौन सा नहीं है एक प्रशासक का नहीं है? निकटदर्शी के द्वारा कार्यक्रम को प्रभावी बनाना, निकटदर्शी पार प्रवाह बना। ठीक है, निम्न से कौन सा एक अधि शिक्षक की चारित्रिक योग्यता नहीं है? कौन सी है? खेल का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। निर्णय महत्वपूर्ण नहीं है। क्या नहीं है? प्रशिक्षकों के उद्देश्य पूर्ति में असहाय होता है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा करने की कला के साथ साथ प्रतियोगिता के दौरान किसी रणनीति के वास्तविक रूप से अभ्यास करने की प्रक्रिया होती है युक्ति। तकनीकी को कब उपयोग में लाया जाता है और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं? प्रतियोगिता के दौरान। कौन से? प्रतियोगिता के दौरान। आगे चलते हैं, तकनीकी की द्वितीय अवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? खिलाड़ी की क्षमता अनुसार गामक योग्यता को विकसित किया जाता है। इस अवस्था में तकनीक तंत्रिका मांसपेशीय मनुय समन्वय को भी विकसित किया जाता है। कौशल का पूर्ण अभ्यास सामान्य मानव परिस्थितियों में किया जाता है जिससे खिलाड़ी गामक समन्वय हो सके। ठीक है, उपयुक्त सभी ऐसी योग्यता जो किसी खिलाड़ी की क्रियाओं को सुचारू तथा प्रभावशाली ढंग से करने की योग्य बनाती है। कौन से? समन्वय योग्यता। कौन से थे? समन्वय योग्यता। निम्न से कौन सा समन्वय योग्यता का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? सामाजिक योग्यता का प्रकार नहीं है। ठीक है, निम्न से किस विधि को प्राग्राहकों की तंत्रिका मांसपेशी उत्तेजित विकसित करती है? कौन सी करती है? पी एन एफ विधि करती है। ठीक है, निम्न में से किसका संबंध जोड़ों से होता है? लचीलापन, जो कोण जोड़ कांश होता है, किनसे? लचीलापन से। कुश्ती में खिलाड़ी द्वारा अपने विरोधी को तेजी से दांव लगाने की गतिमान योग्यता मानी गति चाल। कौन से होते हैं? गति चाल। निम्न में से कौन सा सहनशीलता को निर्धारित करने वाला कारक है? कौन सा? उपयुक्त सभी। ऑक्सीजन क्षमता होगी, अनोक्षी क्षमता होगी, मनोवैज्ञानिक कारक को सभी को। आइसोकाइनेटिक विधि का प्रतिपादन किसने? जे जे पेरी ने किया था। सहनशीलता विकसित किस विधि में गति का नियंत्रण खिलाड़ी द्वारा व्यक्तिगत रूप से होता? फार्ट लेग में। क्रीडा प्रशिक्षण एक शिक्षक के रूप में प्रक्रिया में प्रग्रस्त हारे द्वारा। ठीक है, खिलाड़ी में अनुकूल के लिए शरीर के विभिन्न अंगों को आवश्यकता में समन्वय है। निम्नलिखित में से किस विधि में खिलाड़ी की दर्शन क्षमता को बढ़ाने
बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग बार दिया जाता है। खेरिये की विधि और अंतराल विधि में प्रशिक्षण विधि के संबंध में कौन सा कथन असत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है देखते हैं। प्रशिक्षण विधि में कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं है ऐसा नहीं है। इस विधि में संपूर्ण दक्षता का बल दिया जाना चाहिए। इसमें कहता है इसका डॉक्टर अर्नेस्ट वेनकोल द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह एक प्रकार की क्रॉस कंट्री दौड़ पर आधारित है। इस विधि में किसी व्यापक लंबी अवधि तक बिना रुके नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है। खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य है खेल प्रदर्शन में सुधार होता है। निम्नलिखित किस प्रशिक्षण चक्र किस प्रशिक्षण अवधि 3 माह और 1 वर्ष होती है मैक्रो चक्र में, कौन सी मैक्रो चक्र में। बाहर तीव्रता निम्न से किसका संबंध है, बाहर घनत्व की यथानुपाति में, ठीक है। खिलाड़ी द्वारा किसी क्रिया या अभ्यास गति को पूर्ण करने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, गतिकाल। लगातार भार को देते समय प्रशिक्षण को निम्नलिखित में से किस कारक पर ध्यान रखना चाहिए, उपयुक्त सभी पर, खिलाड़ी की गामे की योग्यता पर, खिलाड़ी की रुचि पर, खिलाड़ी की भार सहन क्षमता पर, ठीक है। निम्न से कौन सा मनोरंजन का प्रकार नहीं है, कौन सा अनौपचारिक मनोरंजन का प्रकार है। खेल सुविधाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन सा लिंग के आधार पर शिविर का वर्गीकरण नहीं है, बाल शिविर, ठीक है, बाल शिविर नहीं है, बालक शिविर है, महिला शिविर है। शिविर प्रतियोगिता में कितने शिविर होता है, तो एक शिक्षक होना चाहिए, शिक्षार्थी यानी कि एक शिक्षक होना चाहिए, 10-12 पे एक शिक्षक होना चाहिए, ठीक है। विक्टेल स्टील ट्रैक में लगभग कितने मीटर तक की ऊंचाई पर वाला ट्रैक तय किया जाता है, 500 मीटर के, ठीक है। व्यक्तिगत निम्न में से किस योग का अर्थ है कि मानव व्यक्ति तो इस समय ताकत का विकास करना चाहिए, राजयोग का, किसमें राजयोग का, ठीक है। मन की सर्वोच्च अवस्था कौन सी होती है, समाधि, कौन सी होती है, समाधि। समाधि के चित्त की वृत्तियों का भेद कौन करता है, प्रमाण करता है, विपर्य करता है, निंद्रा करता है। अणिमादि 8 सिद्धियों के शरीर में भारी कर लेना क्या करता है, गरिमा कहते हैं। श्वास प्रश्वास गति में अवरुद्ध करना जिसे क्या कहते हैं, प्राणायाम कहते हैं। निम्न से कौन सा आसन शरीर के लचीलापन बनाता है, चक्रासन बनाता है, कौन सा, चक्रासन। मयूरासन के संबंध में गलत कथन कौन सा है, उपयुक्त सभी कथन, उपयुक्त में से कोई नहीं है मयूरासन के संबंध, ठीक। निम्न में से कौन सा आसन मानसिक तनाव दूर करने में बेहतर जा नाड़ियों को मल शोध करता है, गुप्तासन, कौन सा, गुप्तासन, ठीक है। सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र होते हैं, 12 मंत्र होते हैं। स्वामी विवेकानंद योग का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बेंगलोर में। किस वेद में योग के बारे में उल्लेख किया गया है, ऋग्वेद में, कौन सी में किया गया, ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुंडलित क्या कह रहे हैं, कुंडली जागरण करने में आसन कौन सा होता है, भुजंगासन। कुंभक क्रिया में कितने वेद माने जाते हैं, 8। ईडा का शब्द होता है जड़ता, ईडा शब्द का अर्थ क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। गिरण संहिता में कपालभाति को क्या कहते हैं, बालभाति। महर्षि पतंजलि योग दर्शन कितने भागों में बांटा गया, 4 में। प्राणायाम में श्वास अंदर लेना क्या कहलाता है, पूरक। नासिका द्वारा भिन्न भिन्न दरियों को ग्रहण करना क्या कहलाता है, नेति। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून 2015 को। नौली द्वारा उपचार किया जाता है पाचन संबंधी रोग, इससे पाचन संबंधी रोग के लिए। शरीर रचना विज्ञान के सामने कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, कितने, 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। रुको करते हैं, उत्तक विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है, उत्को के संगठन है संरचना का, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। किसके अंतर्गत पैर से सिर की ओर स्थिति देखी जाती है, सुपिनेशन। निम्नलिखित में से कौन सी शरीर के धड़ के समीप की ओर स्थिति होती है, प्रोनेशन, यानी कि प्रोक्सीमल। हाथों की हथेलियों
को क्या कहा जाता है? पामर, पामल। कौन से शरीर को दो भागों में विभक्त किया जाता है समानांतर को? कोशिका की खोज 1665 में किसने की थी? हुक ने की थी। ठीक है, किसकी कोशिका घनात्मक होती है तथा आधार कला पर अवस्थित रहती है? घनात्मक उपकला में। निम्न से कौन सा उत्तक शरीर के 1/20 भाग में होता है? रक्त उत्तक। और छतः रक्त उत्तक। आगे चलते हैं, कौन सा उत्तक कोशिकाएं, अरे पड़ेगा, कौन सा उत्तक कोशिकाओं के समांगी जैसी जेली के समान मैट्रिक्स पाई जाती है? कौन से? श्लेष्मा उत्तक। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मकता न्यूरोलॉजी कहते हैं। शरीर में कितने प्रकार की कलाएं होती है? 3 प्रकार कलाएं होती हैं। मानव शरीर कितनी अस्थि होती है? 206 होती है। अस्थि में कितने प्रकार, शरीर में अस्थि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। अस्थि में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाव 30% होती है? खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ पाई जाती है? 22। कौन सी अस्थि कला के आधार पर अग्रभाग बनाती है? इफिनोइड अस्थि। कौन सी थी? इफिनोइड अस्थि, इफिनोइड अस्थि। कौन सी अस्थि जियोमोलम के नाम से जानते हैं? वोमन। कौन सी थी? वोमन, वोमन जानी जाती है, वोमन। ठीक है, आगे देखते हैं, मेरुदंड की संरचना कुल कशेरुकाएं 26 होती हैं। ठीक है, निम्न में से कौन से मेरुदंड का कार्य करती है? उपयुक्त सभी। शरीर को आधार प्रदान करती है, शरीर को गति सहायक करती है, स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा प्रदान करती है, स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा। शरीर की सबसे बड़े शक्तिशाली अस्थि कौन सी होती है? फीमर होती है। इनमें से तंतुमय संधि होती है, उपयुक्त सभी। स्ट्रेस सिंड्रस गोल्फिश। कंकाल पेशी रेशी होती है, बेलनाकार होती है। कंकाल पेशी लगभग कितनी डिल्ट हो गया? तंत्रिका कितने भागों में बांट जाती है? 3 भागों में। तंत्रिका के 3 भाग पाए जाते हैं। ठीक है, निम्न से कौन सा पश्चिम मस्तिष्क का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? मध्यम मस्तिष्क पश्चिम का भाग नहीं है, पश्चिम मस्तिष्क का भाग नहीं है। ठीक है, रक्त में पीएच मान कितना होता है? 7.45। बिम्बाणु प्लेटलेट्स जीवन काल कितना होता है? 5 से 9 दिन। कितना? 5 से 9 दिन होता है। नवजात शिशु के हृदय वजन कितना ग्राम होता है? 20 ग्राम। कितना? 20 ग्राम। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाता है 1958 में। इनमें से वसा घुलनशील विटामिन नहीं है, कौन सा नहीं? बी। रक्त समूह में कौन सा सर्वग्रह होते हैं? ए बी। हृदय चक्र में कितने चक्र होते हैं? डिलीट कर दिया गया। गर्सनी की लंबाई कितने? 13 मीटर होती है। 13। मुख गुहा में अस्थायी दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। पाचन नली की लंबाई कितने मीटर की होती है? 9 मीटर की होती है। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। निम्न से कौन सी मूत्राशय की परत है? उपयुक्त सभी। प्यूटिनमा म्यूका मलेक्सिमुलर उपयुक्त सभी होती हैं ये। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 होती है। मूत्र का पीएच मान 5 से 8 होता है। कितना? 5 से 8। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।